हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दैनल आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ नोटिस जो कि आप एन एम सी ने इशू किया था एट्थ ऑफ अगस्त को एंड वेयर दे हैव मैंशन अ फ्यू पॉइंट्स तो उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग दैट नोटिस एंड उसको लेके कुछ कन्फ्यूज हो गए थे कुछ लोग की बेसिकली uh, uh, इसमें तो एक और नई चीज़ पूछ लिख दी है और uh, मतलब काफ़ी सारे कंफ्यूजन uh, क्रिएट हो रहा था तो आई थॉट इट विल बी अ गुड थिंग टू मेक अ वीडियो अ शॉर्ट वीडियो अबाउट दैट एंड ऑल्सो विल गिव यू अ फ्यू अपडेट्स अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम इफ यू हैव एंड ऑलरेडीव्ड ऑल द अपडेट्स सो लेट्स वीडियो सो बेसिकली एट्थ ऑफ अगस्ट को आपका एन एम सी ने एक नोटिस निकाला था वे से आपका दे है फॉर्म देट सम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज आर नॉट फॉलोइंग द एन एम सी गाइडलाइंस प्रॉपरली जो भी ड्यूरेशन को लेके है या फिर करिकुलम को ले कर है या फिर ट्रेनिंग को ले कर है तो दे एम जस्ट मैंशन दैट स्टूडेंट्स हैं इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग एम बी बी एस फ्राम अब्रोड फ्राम एन एनी इंस्टीट्यूशन एनी यूनिवर्सिटी तो बेसिकली आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो एफ एम जी एल जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस सेट जो गाइडलाइंस जो आई थी ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाली उसके अकॉर्डिंग उनको वो फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि वो फुलफ़िल कर रहे हैं बेसिकली इफ कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जाता है कि वो फुलफ़िल नहीं करता है आपका तो इट इज गोइंग टू लाइक योर डिग्री वॉन्ट बी वैलिड फॉर रजिस्ट्रेशन बेसिकली सो एक नई कंफ्यूजन और क्रिएट हो गई है तो इसमें एक लाइन है जो की स्टूडेंट आर नोट इन विद एम सी रेगुलेशन बी फॉलोड इन इंडिया कुछ स्टूडेंट है कुछ पेरेंट्स हो गया इस चीज को कि जो इंडिया में बेसिकली जो रूल्स रेगुलशन है इंडिया में जो बेसिकली फॉलो हो रहे हैं एक्जली जो इंडिया में चीज हो रही है वो सेम चीज फॉलो करनी है वो नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो इनवैलिड हो जाएगी डिग्री प्रो आ, बट आ, थोड़ा सा अगर इफ़ यू गो फर्दर ऑन द सेकंड पैराग्राफ तो यू विल गेट दिस क्लैरिफिकेशन की देर टॉकिंग अबाउट द एफ एम जी एल रेगुलेशन वैसे तो अपॉर्डिंग टू द जो एफ एम जी एल रेगुलेशन है जो उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करते हो तो आपकी डिग्री वैलिड है तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम टू सेम इंडिया के जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं सेम वही पैटर्न और सब कुछ वही एजुकेशन सिस्टम वही सेम फुलफ़िल या फॉलो करना मैंडेटरी है बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्स नो दिस कि वो चीज़ जो है पॉसिबली ही नहीं है बेसिकली कोई फॉरन कंट्री आपका सेम इंडिया जैसी ही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ऑफकोर्स हर कंट्री का अपना अपना अलग सिस्टम होता है अलग पैटर्न होता है बट जो बेसिक मेन जो रिक्वायरमेंट जो एफ एम जी एल के अंदर हैं uh, वो फुलफिल करना जरूरी है एंड अब मेन मल्टीपल वीडियोज़ अबाउट दैट तो अगर आपको उन चीज़ों के बारे में कुछ डाउट है तो आई लिंक ऑल ऑफ दोडियोज़ इन डिस्क्रिप्शन आप बेसिकली uh, वो वीडियोस बाद में देख सकते हो नाउ नाव देर इज़ वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि आपका कुछ कुछ कंट्रीज हैं मैंने जैसे पहले की वीडियोस में भी बताया है कि कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि फुलफिल कर रही हैं ये गाइडलाइंस एंड कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि फुलफिल नहीं कर रही हैं आपकी ऑलमोस्ट हर कंट्री जो भी मेजर कंट्रीज है जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स आते थे वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है उसने भी अपनी अपनी वेबसाइट्स पर नाउटिस डाल रखे हैं तो आपके कंट्रीज़ लाइक रशिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान uh, ये कंट्रीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं आपका चाइना है वो भी फुलफिल कर रहा है एंड कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे आपका फिलीपींस है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है आपका जॉर्जिया है उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा हो जा रही है ऑल दो फुलफिल वो भी कर देगा लेकिन ड्यूरेशन नाइन ईयर्स हो जाएगी आपकी सो बेसिकली यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप जो ये एन एम सी के जो रेगुलेशनस हैं दोज रेगुलेशन्स नीड टू बी फॉलो एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन हु इज़ थिंक वॉट स्टडिंग एम बी बी एस फ्रो एन अब्रोड कि आप सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ही चूज़ करो प्लीज़ अवॉइड गोइंग इन और गेटिंग एडमिशन इन टो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिकॉज आई नो दिस काफ़ी सारे लोग हैं काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं और उनके अंदर काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज़ हैं मेनली तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ना एडमिशन लें इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज जो गवर्नमेंट की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होंगी देर आर चांसेस कि आपकी वहाँ पे वहाँ से जो आप डिग्री लेके आओगे उसके अंदर आपको सारे रेगुलेशन ऑन दो जो जो मैंने कंट्रीज बताए हैं वो फॉलो कर रही हैं बट देर आर चांसेस कि वो आपकी कुछ भी तरह की और भी इशूज़ नहीं होंगे उन यूनिवर्सिटीज में ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गोइंग इन टू प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब्रोड की बात कर रहा हूँ मैं तो देर आर लोट मोर चांसेस कि वहाँ पर कुछ ना कुछ इशूज़ आ जाएंगे एंड आफकोर्स वी ओल नो जो रियलिटी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ की स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक जॉर्जिया और इवन आप में भी कजाकिस्तान में भी कुछ कुछ अब नए नए यूनिवर्सिटीज़ आने लग गए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो वो जो यूनिवर्सटीज़ हैं वो दे आर जस्ट यू नो एक स्कूल की बिल्डिंग जितनी वो एक स्कूल जितनी बेसिकली एक बिल्डिंग ले रखी है इनफेक्ट काफ़ी सारे की तो उन उतने भी नहीं है वैसे के लिए उनके पास एक बिल्डिंग और उसको वो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं या कॉलेज बोल रहे हैं और उसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन ले रहे हैं बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स को एडमिशन ले रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड गेटिंग एडमिशन इन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेक श्योर कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही जा रहे हो एंड येस जितनी भी ये जो मैंने कंट्रीज़ बताई थी जैसे आपका रशिया कजाकिस्तान उजबिकिस्तान अब अप, अपकोर्स ये जो फुलफिल कर रही हैं कंट्रीज जो हैं एम सी की वेडलाइंस बट ईच ऑफ दीज कंट्रीज दे हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स एज वेल तो आपका हर कंट्री के कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं कुछ कुछ डिसएडवान्टजेज भी हैं तो यू हैव टू मेक श्योर ऑन योर एंड कि बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी बेसिकली uh, एक एस्परेशन uh, है और जो आपका बजट है वो सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए विच कंट्री वुड बी बेस्ट फॉर यू माई रिकमेंडेशन हैलवेज बीन कि आप गो टू अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो गो टू अ कंट्री जो कि आपका एटलीस्ट इंडिया से डेवलप्ड हो ज़्यादा डेवलप हो रेदर दैन गोइंग टू अवर कंट्री जो कि आपका इंडिया से भी कम लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी सारे लोग आज के टाइम पर इजिप्ट वगैरह ऐसे कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं एंड इन रियलिटी आपके जो इजिपशियन स्टूडेंट्स हैं वो खुद रशियन यूनिवर्सिटीज़ में आके वहाँ पे पढ़ते हैं इनफैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ रहे होते हैं काफ़ी सारे बैचेस तो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में होते हैं इजिप्शियन स्टूडेंट्स के बिकॉज देर स्टडी इन इंग्लिश मीडियम मामले सो या जो ये नोटिस है दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू आपका सेम वही जो पहले वाली बातें जो रेगुलेशन बेसिकली दे आर जस्ट काइंड ऑफ गिविंग एन एडवाइसरी और रिमाइंडर की यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है uh, फुलफ़िल नहीं करोगे तो योर डिग्री वॉन्ट बी वैलिड इन इंडिया अब थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं तो उसको लेके भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं कि चल क्या रहा है तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन सबके साथ यही है हर कोई कन्फ्यूज है मैं भी कन्फ्यूज हूँ फिर जस्ट लाइक एवरी वन एल्स तो आपका पहले इनिशियली देवासैन की टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में लिया जाएगा फिर की आ, नहीं लिया जाएगा फिर ट्वेंटी फोर में बोलने लगे थे ट्वेंटी फोर में तो कंडक्ट होगा ना न्यू बेसिकली जो आपका अभी लास्ट आया है नोटिस आया है न्यूज़ वगैरह में आया हुआ है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी एट और वो आपका जो इन इंडिया अगर जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाला बैच है उसके लिए होगा तो ऑफकोर्स जो अब रोड वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो इस साल जा रहे हैं अब रोडवाल में बहुत ड्यूरेशन है सिक्स ईयर्स फॉर यू बैस तो आप लोगों के लिए वो नेक्स्ट होगा ही होगा सो द थिंग इज़ की नेक्स्ट एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड उस चीज़ के बारे में आप मान के चलिए कि नाइन्टी नाइन पॉइंट ही रहेगा वो पॉइंट हम कह सकते हैं कि कुछ और नया बेसिकली वो उस चीज़ को फाइनलाइज ना कर पाए कि कैसे कंडक्ट करना है या क्या रखना है तो एक अलग बात है बट आप मान के चलिए कि दैट एग्ज़ाम इज गोइंग टू हैपन एंड यू हैव टू बी प्रपेयर फॉर दैट एंड यू हैव टू यू नो वंस यू स्टार्ट योर डिग्री तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली दो uh, जैसे जैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जब एक बार फर्स्ट रैंक हो जाएगा कंडक्ट जैसे अभी मो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बोला जा रहा था और दो वो अब नहीं किया है उसको भी लेकर दिया अगेन तो मोस्टली वो अब नेक्स्ट ईयर या उसके ज़्यादा ज़्यादा नेक्स्ट ईयर तक उसको भी कंडक्ट कर लेंगे तो वंस दे गेट डन विद अ मॉक एग्जाम तो और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी बट द थिंग इज दैट आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा वा, इंडिया वालों के लिए भी होगा वा, बाहर वालों के लिए भी होगा एंड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑल सोसाइड कि आपका चांसेज यही है कि इट इज़ गोइंग टू बी लिटल बिट मोर ऑन द इजियर साइड एज़ कम्पेयर टू जो आपका एफ एम जी होता था अभी के लिए एटलीस्ट फोर फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है अफकोर्स पी जी में आपके एडमिशन के लिए यू वुड रिपोर्ट फोर गुड मार्क्स बट बेसिकली क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं उसको आपका फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट समथिंग अराउंड दैट वो उसको करके नीचे लेके आएंगे बेसिकली ताकि जो इंडियन जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी उस एग्जाम को क्लियर कर लें ईजिल ले, और पास कर लें ऐसा ना हो कि बच्चे मेडिकल कॉलेज से निकल के जा रहे हैं और फिर उसके बाद आ, एग्जाम ही क्लियर नहीं कर रह पा रहे लाइसेंस ही नहीं ले पा रहे तो दे विल मेक श्योर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको आराम से क्लियर करेंगे सो या जस्ट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड बेसिकली जो आप जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो या जो भी आप कंट्री चूज़ कर रहे हो इट इज़ फुलफलिंग और फोइंगल जो आपका ट्वेंटी ट्वेंटीट था उसमें जो मैं थी डेट योर ड्यूरेशन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटर्नशिप वो सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है दैन एंड ओनली फो फॉर दैट कंट्री और यूनिवर्सिटी एंड इफ यू वॉन्ट टू नो इन डिटेल की कौन सी कंट्री बेस्ट है या कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट ऑल दोज थिंग्स यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज एंड इफ यू आर स्ट इन कन्फ्यूज कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस And also up comment week as I'll definitely give a reply to all of the comments. So that's it for today's video and see you guys in the next one.